आइए दोस्तों, आज हम आपको शॉर्ट कुर्ती कली वाली जो आजकल लहंगे पे चल रही है, उसकी जो हमने पिछली वीडियो में आपको कटिंग बताई थी, उसको अगर आपको देखना हो तो आई लिंक पे क्लिक कर ले। और ये देखिए, अब हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे। तो ये हमने देखिए अस्तर काट लिया था, ये बाजू का अस्तर है। ये साइड में इधर जोड़ आया है यहाँ पे, क्योंकि ये छोटी रच का था तो मैंने ये भी अस्तर काट लिया है। और ये बैक फ्रंट का तो मैंने आपको काट के दिखाया ही था, ये फ्रंट है और ये बैक है। और ये कलियां हैं, तो कलियों का भी ये मैंने देखिए इस तरीके से अम्ब्रेला ये काट लिया है। ये इतना ही लगेगा जितनी ये कली है, इससे ये 1-1.5 इंच बस छोटा है। इसको जब हम फोल्ड करेंगे फिर ये भी फोल्ड हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो इसको सीखने के लिए वीडियो को आप पूरी देखें। और चलिए चलते हैं अब मशीन पर। ये देखिए, ये हमारी बैक है, इसको हम एक साइड से रख ले रहे हैं, जैसे बैक को हम कच्चा करते हैं और फ्रंट को, तो इसको हम बाद में करेंगे। ये फ्रंट भी और ये हमारी बाजू है, इनको सबको हम एक साइड से रख दे रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी कलियाँ जोड़ेंगे, ये अस्तर भी उठा के एक साइड से रख दे रहे हैं। तो कलियों को देखिए किस तरीके से जोड़ेंगे, ये कलियाँ इस तरीके से उठाएंगे एक, और दूसरी कली ये उठाएंगे। तो एक कली जो है ये सीधी कली रखेंगे इस तरीके से, उल्टा नीचे रखेंगे और इन दोनों को इस तरीके से देखिए ऐसे पकड़ेंगे, ये सीधा सीधा मिला देंगे यहाँ पे। और ये जितना हमने मार्जिन दिया था उतना ही मार्जिन लेके इस तरीके से देखिए, ये ज़्यादा लंबी कलियाँ नहीं है तो इसको एक ही बार में ऐसे देख लें ताकि खींचे नहीं कली को। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए, और यहाँ पे पक्का कर लेंगे। और पक्का करने के बाद में फिर इसी तरीके से ये दो कलियाँ हम ये उठाएंगे, पहले दो दो जोड़ लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से ये पक्का कर देंगे यहाँ पे, इस तरीके से देखिए, इसको भी पक्का कर देंगे। ये देखिए, ये फिर दो कलियाँ हम इस तरीके से जोड़ेंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर पक्का कर देंगे। और पक्का करने के बाद में ये एक पल्ला पूरा हो गया हमारा, मतलब फ्रंट। तो ये देखिए इस तरीके से इसको हम ये काट लेंगे। काटने के बाद में ये दोनों कलियाँ जो जोड़ी थी और ये दोनों कलियाँ जो जोड़ी थी, इसको इस तरीके से खोल के एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख देंगे, ये देखिए। और यहाँ से ये मिला लेंगे इस तरीके से, ये थोड़ा बहुत कम्बड़ होता हो इसको बराबर कर लें ताकि कली हमारी एक जैसी दिखे। इस तरीके से पक्का करके ये देखिए यहाँ पे भी पक्का कर देंगे। ये देखिए ये चार कलियाँ हो गई। फिर ये जो हमने दो और जोड़ रखी थी इसको भी इस तरीके से रख देंगे, और ये यहाँ से इस तरीके से देखिए मिला के इसको भी पकड़ेंगे। और ये देखिए इस तरीके से इसको, इस तरीके से इसको ये पक्का करेंगे। ये देखिए ये छह कलियाँ हो गई, तो इसका घेरा कुछ इस तरीके से आ जाएगा पूरा। ये आजकल जो है स्कर्ट और लहंगे पे ये बहुत ज़्यादा चल रही है। ये देखिए इसी तरीके से मैं दूसरी वाली भी जोड़ लूँगा, फिर उसके बाद में किस तरीके से हम बैक और फ्रंट को कच्चा करेंगे वो भी आपको बताते। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने कलियाँ जोड़ ली सारी, और जोड़ने के बाद में हल्की हल्की मैंने ये प्रेस से एक साइड से बिछा दिया है, देख ऐसे करके। ये देखिए दोनों ही मैंने ये जोड़ लिए हैं। अब इसका हम क्या करें, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम ये नाप लेंगे इसकी कमर की, कमर कितनी आ रही है। ये देखिए अगर कम्बड़ होगी तो अभी हो जाएगी। ये देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे ये दबाएंगे और ये दबाएंगे, ये पूरी हमारी इस तरीके से इतने मार्जिन से 18 इंच तैयार आ जाएगी, ये इस तरीके से। ये देखिए इसको हम जो इसमें अस्तर लगाना है हमें, वो हम इसको ऐसे करके देखिए ये ऐसे अस्तर रख के हम इसमें कच्चा लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा बाद में बताएंगे आपको। और ये देखिए ये बैक भी मैंने कच्ची कर ली है, अस्तर इसको जमा दिया है इस तरीके से, ये फ्रंट और ये बैक। अब हम इसमें गला काटेंगे, गला हमारा आगे का जो था वो 5.5 इंच था, इसको जो हम कपड़े का ही गला बनाएंगे, ना इसमें पेपर पेस्टिंग लगाएंगे ना बुकरम लगाएंगे।
ये देखिए, ये इस तरीके से 4.5 इंच रखेंगे सीधे में, तो यहाँ से जब नापेंगे आप तो ये 6 इंच आ जाएगा, तो ये 5.5 इंच तैयार आ जाएगा आपका। ये देखिए इस तरीके से हम ऐसे करके निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रेंड का गला है, और इसको हम एक पैर जो हमने मार्जिन लेना है इतना छोड़ देना है, और इसको काट लेना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रेंड का गला कट गया है, और ये हमारी बैक है। बैक में हमारा 3.5 इंच गला था, तो 3.5 इंच जो है हम इस तरीके से 3 इंच ले लेंगे। फिर वो बनने के बाद में ये थोड़ा सा आधा इंच फालतू ही हो जाएगा बैक से गला। ये देखिए ऐसे करके निशान लगा लेंगे, जो हमने ये कट लगा रखा है, और यहाँ से भी एक पैर इस तरीके से छोड़ देंगे। ये देखिए, ये एक पैर, इसको हम ये हटा लेते हैं। ये जो हमने कपड़ा ले रखा है काटने के लिए, तो हम इसमें से ये देखिए इस तरीके से इसको रखेंगे। ये देखिए ऐसे करके, और ये ऐसे करके देखिए, हम ये फ्रेंड हमने काट लिया, और ये हम इसको जितना हमें चौड़ा रखना है, ये देखिए इस तरीके से। मैं पेस्टिंग भी लगा देता इसमें, मगर मैं कपड़े के गले इसलिए बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पेस्टिंग ना हो, तो हम कपड़े में से ही गला किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, और ये पीछे हाथ रख लेंगे, ये उंगली जो है इस तरीके से जब चलाएंगे, तो जो आप सिलाई लगाएंगे तो आपका ये ऐसे नम होता जाएगा आराम से। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से देखिए, जो हम ये वाला कपड़ा यहाँ से खींच रहे हैं, तो पीछे हमारा हाथ लगा हुआ है, तो वो उसका खींचेगा नहीं, उसमें नम हो जाएगा आराम से, बैठ जाएगा एकदम सही करके। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये आराम से बैठ गया ऐसे करके। और इसको हम देखिए, ये जो फ्रंट वाला कपड़ा है, ये फ्रंट, इसको इस तरीके से लेंगे, और यहाँ से हम ये देखिए एक पैर ऐसे करके रख के, और यहाँ पक्का कर लेंगे, और इसको खींचेंगे नहीं ये कपड़ा, क्योंकि ये देखिए और ऐब हो जाता है, हल्का सा भी खींचेंगे तो ये गला बढ़ जाएगा, तो इसको नम करके ही छोड़ें हल्का सा इस तरीके से। फिर भी क्योंकि जब नम भी करेंगे फिर भी हल्का सा लगेगा कि ये बढ़ गया है, क्योंकि ये और ऐब हो जाता है ना, तो इसको देखिए इस तरीके से ये ऐसे करके रख लेंगे आराम से, खींचे नहीं बिल्कुल भी। ये देखिए इस तरीके से, और ये काट के ये हल्के हल्के इस तरीके से देखिए कट लगा लेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पे। इससे क्या है, इसकी गुलाई सही बैठ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से, और एक ये इसकी लप पे ये सिलाई ऐसे करके लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये, और इसको हम प्रेस से इस तरीके से ये बिठा देंगे। बिठाने के बाद में इसका हम इसी तरीके से मैं बैक का गला बना के, और प्रेस लगा के, और कंधी जोड़ के, और ये वाली फिर यहाँ से ये मैं साइड लगा लूँगा, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये कंधी जोड़ के और ये साइड जोड़ के मैंने वो इंटरलॉक भी कर लिया है, और इसको मैंने देखिए प्रेस से इस तरीके से ये बिठा भी दिया है, ये गले को ये इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आराम से तुरपाई कर लेंगे। और ये देखिए इसको अब हम इस तरीके से ये सीधा कर देंगे। देखिए ये देखिए, क्योंकि ये देखिए ये छोटे गले होते हैं ब्रॉड में, तो इनमें देखिए इस कपड़े से भी आप गला पलट सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखिए इस तरीके से इसको हम इस साइड से रख लेते हैं, और ये जो हमने अस्तर काट रखा है, इसको हम एक अस्तर को इस तरीके से उठाएंगे, और एक ये पल्ला लेंगे हमने जो कली वाला है, इसको देखिए इस तरीके से ऐसे करके नाप लेंगे। देखिए दोनों तरफ ये अस्तर इतना इतना निकल रहा है, तो इस तरीके से निकाल दें। ये देखिए,
और इसको इस तरीके से ऐसे करके देखिए ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से, और ये देखिए यहाँ पे भी इस तरीके से, और ये जो दूसरा वाला हिस्सा है इसको भी हम लेंगे इसी तरीके से, इतना रख के इसका इसको यूँ रखेंगे ऐसे करके सिलाई लगाएंगे। देखिए इस ये वाली सिलाई लगाने के बाद में, अब ये देखिए ये हमने जो अस्तर जो काटा है इसका, ये हमने इसके बराबर काटा है, छोटा नहीं काटा है। ये देखिए ये अस्तर हमने बिल्कुल इसके बराबर ही काटा है, बिल्कुल भी छोटा नहीं काटा है। तो हम इसको पहले इस तरीके से 1 इंच के करीब ये फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से 1-1.5 इंच के करीब, ये ओरेव होता है तो हल्का सा अगर कहीं अस्तर में झोल आएगी तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए ये यहाँ पे जो ओरेव जगह होती है वहाँ तो फोल्ड हो जाता है, जहाँ पे आके ये खड़ा आ जाता है कपड़ा, तो ये इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी हल्की सी झोल आ जाती है, तो वो अंदर की साइड रही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ये देखिए इस तरीके से ये भी फोल्ड करके, और ये दूसरा वाला भी। मैं आपको समझाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा रहा हूँ, इसमें जिस चीज़ को मुझे दिखाना चाहिए वो मैं दिखा दे रहा हूँ इसलिए आपको। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे ओरेव आ जाएगा तो यहाँ तो झोल नहीं आएगी। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके जब ये हमने ऐसे फोल्ड कर लिया, फिर उसके फोल्ड करने के बाद में इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे रख लेंगे ये, और ये दूसरा वाला पल्ला जो है, क्योंकि इसको हम पहले गोल कर लेंगे उसके बाद में उसमें चढ़ाएंगे। ये देखिए ऐसे करके रखेंगे एक दूसरे पे। ये देखिए ये जो कपड़ा ये वाला आ रहा था इसमें हल्का सा मार्जिन आ रहा था, तो एक पैर हम इसको ऐसे करके दबाएंगे, और ये देखिए ये चारों पल्ले एक साथ में हम इस तरीके से ऐसे करके अटैच कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पे ऐसे करके ये मैंने आपको पूरी ही इसको गोल करके अच्छी तरीके से बना के ये मैं आपको घेरा पूरा ही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम घेरे को सेट कर रहे हैं। फिर देखिए इसको नाप लेंगे, ये देखिए 18 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो इसी तरीके से हम इसको ये देखिए इस तरीके से ऐसे करके ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये पक्का कर लेंगे। अब ये देखिए पक्का करने के बाद में इसको हम ऐसे करके देखिए सीधा करेंगे। ये सीधा करने के बाद में ये देखिए ये घेरा कुछ इस तरीके से आएगा। तो हमने जो ये बैक और फ्रंट जो ये अटैच कर रखे हैं इसको हम उल्टा कर देंगे ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके। और उल्टा करने के बाद में ये जो गला है गली वाली जगह से इसको इस तरीके से अंदर डालेंगे ऐसे करके। ये अंदर डालने के बाद में ये देखिए जो ये हमारी साइड की ये है इसमें सिलाई, और ये दोनों साइड की सिलाई, इस तरीके से हम इसको बराबर ऐसे पकड़ेंगे, और पकड़ने के बाद में इसको ऐसे बैक की तरफ हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ऐसे सिलाई लगाएंगे, और लगाने के बाद में इसको फिर ये दूसरी वाली जो सेट है
इसको हम इस तरीके से देख लेंगे कि ये हमारी बराबर आ रही है। ये देखिए हमारा ये बराबर है, इसको इस तरीके से देखिए बहुत ही आसानी से ये इसी तरीके से जोड़ के फिर बाजू चढ़ा के और इसका घेरा ये नीचे से फोल्ड करके फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए मैं इसको आपको ना पूरी सिलाई लगा के दिखाई देता हूँ ये कि किस तरीके से लगाएंगे। ये मैंने जो आपको दिखाई थी कि इस तरीके से पकड़ के इतनी सिलाई मैंने लगा ली थी। ये देखिए ऐसे करके फिर आपको पता नहीं चलता ना कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं तो उनको पता नहीं चलता कि किस तरीके से ये सिलाई लगाइए। इस तरीके से देखिए एक चीज़ का ध्यान रखें जब सिलाई लगें तो इससे इसका ये देखें कि नीचे वाला अस्तर कहीं सिलाई में दब तो नहीं रहा है, क्योंकि इससे पता चल जाता है जब आप सिलाई लगाते हो कि ये अस्तर दब रहा है या नहीं दब रहा है। ये देखिए इस तरीके से रख के और ये बराबर ऐसे कर लेंगे। उसके देखिए इस तरीके से और इसको ऐसे करके देखिए ये जोड़ने के बाद में कुछ इस तरीके से आएगा। देखिए बिल्कुल साफ है, कहीं कोई झोल नहीं है। ये देखिए जो ये धागे निकलने हैं मैं इसको काट लूँगा। ये देखिए इस तरीके से ये आगे की साइड में और ये बैक साइड में भी बिल्कुल ये साफ है, कोई इसमें झोल नहीं है। अब इसकी बाजू बना के मैं बाजू चढ़ाऊँगा। बाजू चढ़ाने के बाद में जैसे नॉर्मल बाजू चढ़ती है उसी तरीके से फिर इसका ये जो थोड़ा बहुत घेरा निकल रहा है इसको सेट करके और इसको मैं घेरा इतना फोल्ड करके आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये इसकी फाइनल लुक है और ये देखिए बड़ी फिनिशिंग से इसका गला भी अच्छी तरीके से बैठा है। ये देखिए इसमें हम तुरपाई कर लेंगे बाद में। तो इसी तरीके से देखिए ये छोटा गला है तो इसी तरीके से ये आराम से एकदम फिनिशिंग से बैठा है ये। और इसका ये घेरा है, इसका घेरा इतना ही आता है क्योंकि लहंगे का घेरा ज़्यादा होता है। ये थोड़ी शॉर्ट होती है घुटने से ऊपर, इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं आप इतनी, वो आपकी पसंद है कि आप कितनी लंबाई पहनेंगे। कि जो लोग अगर ये ब्लाउज के साथ में जो यहाँ पे इतनी कमर दिखती है अगर आप ऐसा नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं। ये देखिए बड़ी फिनिशिंग से इसकी बाजू भी अम्ब्रेला बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।